हेलो गाइस, तो कैसे हो, क्या चल रहा है। तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले 2020 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म भीष्मा का, जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम से डब किया गया है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है वेंकी कुडुमोला ने। लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे नितिन और रश्मिका मंदाना। कहानी की बात करें तो भीष्मा, जिसका रोल प्ले कर रहे नितिन, जो एक केयरलेस यूथ है, उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है चैत्रा, जिसका रोल प्ले कर रहे रश्मिका मंदाना, जो भीष्मा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की सीनियर एम्प्लॉय है। अब कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहां पे भीष्मा को चैत्रा जो कंपनी में काम करती है वहां का सीईओ बना दिया जाता है। अब उस कंपनी का सीईओ अचानक भीष्मा को क्यों बनाए, तो कंपनी और भीष्मा के पीछे कोई बैक स्टोरी है, और साथ में भीष्मा और चैत्रा की लव स्टोरी किस तरह से एंगल लेती है, ये सभी चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि वेंकी कुडुमोला, जिन्होंने फिल्म की कहानी काफी सिंपल पकड़ी हुई है, जहाँ पे कुछ ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन इस सिंपल स्टोरी के साथ जिस तरह से उन्होंने अपना काम दिखाया हुआ है वो काबिले तारीफ है। उनका नरेशन काफी परफेक्ट जा रहा था। उन्होंने इस फिल्म में ऑर्गेनिक फार्मिंग, बढ़िया सा रोमांस, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, इन सभी चीजों का एक भरपूर डोज डाला हुआ था, और ये सभी चीजें काफी परफेक्ट वे में एग्जीक्यूट हुई थी। जिस तरह से उन्होंने फिल्म को स्टार्ट किया हुआ था, पहले सीन से ही फिल्म हमें हंसाना स्टार्ट कर देती है, और एंड तक फिल्म काफी बढ़िया तरीके से हमें एंटरटेन करने में कामयाब रहती है। जहाँ पे इंटरवल ब्लॉक जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था वो काफी बेहतरीन था। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी बेहतरीन नजर आ रही थी, जहाँ पे कैमरा वर्क फिल्म के विजुअल्स को और बेहतर बना रहा था। म्यूजिक की बात करें तो काफी बेहतरीन नजर आएगा, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और गाने काफी इम्प्रेसिव वे में क्रिएट हुए हैं, जो फिल्म के साथ अच्छी तरह से जाते हैं। फिल्म की जो डायलॉग्स है उसे काफी बेहतरीन वे में लिखा हुआ है। जिस तरह से एक के बाद एक पंचिस सुनने को मिलते हैं, वन लाइनर सुनने को मिलते हैं, वो काफी सुपर फन क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी बेहतरीन था। जिस तरह से सिंपल स्टोरी थी उसके ऊपर एक वीटी स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है। सभी चीजें काफी ब्रीजी मैनर में दिखाई हुई थी, जिस वजह से वो सभी चीजें हम तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा फिल्म की जो एडिटिंग है उसे भी शार्प वे में किया हुआ है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो नितिन काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं। फिल्म की ज्यादातर कॉमेडी उनके कैरेक्टर के थ्रू की हुई है, जहाँ पे वो अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ काफी हिलेरियस नजर आ रहे थे। उन्होंने सभी कॉमेडी पंचिस को काफी अच्छे एक्सप्रेशन के साथ डिलीवर किया हुआ है। उनकी केमिस्ट्री रश्मिका मंदाना के साथ काफी टॉप नॉच वाली नजर आ रही थी। इसके अलावा रश्मिका मंदाना, उनके रोल के साथ वो काफी बेहतर नजर आ रही थी। उनका रोल अच्छा था और उन्होंने उतनी बेहतरीन वे में उसे डिलीवर भी किया हुआ था। वेनिला किशोर अपनी कॉमेडी के साथ काफी इम्प्रेसिव नजर आते हैं। साथ ही में नितिन और रघु बाबू के बीच में जितने भी सीक्वेंस क्रिएट हुए हैं, उन सभी चीजों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट था। वो सभी चीजें आपको हंसाने में कामयाब रहेगी। अनंत नाग जो फिल्म में काफी बेहतरीन वे में एक डेप्थ क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा संपत राज जो एक इफेक्टिव कॉप का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं, जिनके नितिन के साथ फिल्माए गए सीन काफी बढ़िया कॉमेडी क्रिएट कर रहे थे। हाँ, इस फिल्म की कहानी में जो विलन का ट्रैक है वो उतना बेहतर तरीके से डायरेक्टर नहीं दिखा पाए थे, लेकिन इसके अलावा बाकी की कहानी में जो सभी चीजें दिखाई हुई है वो बढ़िया थी। तो मैं 2020 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म भीष्मा को 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देता हूँ। कुल मिला के बात करें तो ये एक फुल पैकेज कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को आप फैमिली के साथ जरूर एंजॉय कर पाओगे। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए, फिल्म की कॉमेडी आपको इम्प्रेस कर जाएगी। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।